राम जी सारे कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो नीचे राम राम लिख दो, जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। और अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 500 के में अपनी नई गाड़ी जो आ जाएगी। खैर गाइस, ये जो आप देख रहे हो भाई, दिस इज माय न्यू स्वेट टी शर्ट, बोलो या स्वेट शर्ट बोलो जो बोलो। एंड परचेज कहाँ से करी है मैंने, तो बेसिकली माय हॉल स्टोर से परचेज करी है। इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके जो आप परचेज कर सकते हैं इसको। एंड एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी मेरे को आपको दिखानी है। फेस पे एकदम ग्लो देख रहे हो, वो किस वजह से है, तो आप वीडियो के एंड तक देखिएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि क्या जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। खैर, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फटाफट जाके परचेज कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। खैर भाई, आज की जो वीडियो है उसका मेन मुद्दा क्या है? उसका मेन मुद्दा है भाई कि नई जो स्कॉर्पियो लॉन्च होने वाली है उसकी लेटेस्ट इमेजेस लीक हुई है। लेटेस्ट इमेजेस से मेरा मतलब है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कि पुरानी वाली स्कॉर्पियो और जो नई वाली स्कॉर्पियो है वो स्पाइड टुगेदर, मतलब एक साथ देखी गई है। तो पूरा आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि भाई आपको वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए नई जो अपनी स्कॉर्पियो आ रही है उसके लिए, एंड भाई पुराने वाली। अच्छा, बहुत सारी डिटेल्स है जो वीडियो में आपको बताऊंगा, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर हम लोग बात करें स्कॉर्पियो की, तो ये जो एग्जिस्टिंग मॉडल चल रहा था अभी हाल फिलहाल, इसका भाई जो लुक्स थे और इसकी जो एक रोड प्रेजेंस थी वो एकदम ही टोटली डिफरेंट थी। एंड महिंद्रा का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स था ये। था मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी से पहले ये लीक्स आ रहे थे कि एग्जिस्टिंग जो स्कॉर्पियो के मॉडल्स चल रहे हैं वो चेंज नहीं होंगे एंड एक जो मॉडल है वो एड ऑन कर दिया जाएगा। बट अब लेटेस्ट अपडेट में ये पता चला है कि ये जो हमारी स्कॉर्पियो भी आप लोगों ने रोड पर देखी होगी वो हट जाएगी। XUV 700 वाले जो कुछ फीचर्स हैं वो नहीं आपको स्कॉर्पियो में देखने मिलेंगे। एंड ये 100% कंफर्म्ड है कि जो अब एग्जिस्टिंग अपनी स्कॉर्पियो आने वाली है वो XUV 700 में जो आपको सेफ्टी फीचर्स एंड सिक्योरिटी फीचर्स या फिर जितने भी प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं वो सारे के सारे आपको नई वाली जो स्कॉर्पियो 2021 है या 2022 है उसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो बात है थोड़ी सी निराशाजनक है मेरे उन भाइयों के लिए जिनको पिछली स्कॉर्पियो पसंद थी। बट देन फिर अब महिंद्रा का ये कहना है कि स्कॉर्पियो जो है हम उसको प्रीमियम सेगमेंट में लेकर आ रहे हैं बिकॉज हमारी जो गाड़ी वो फैमिली में भी यूज़ करी जाती है, कमर्शियल यूज के लिए करी जाती है। तो कुल मिला के जो आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 देखने को मिलेगी वो टोटली डिफरेंट होगी यहाँ पे। एंड सबसे बड़ी बात बताऊँ कि शिप शॉर्टेज चल रही है उस कारण की वजह से जो है डिलेज हो रहे हैं। XUV 700 जो इंपैक्टेड नहीं है बट जितने भी मॉडल्स हैं जैसे कि थार, स्कॉर्पियो या जितने भी हैं उन सबकी चिप शॉर्टेज की वजह से डिलेज चल रहे हैं। तो जो लॉन्च है इस गाड़ी का वो कन्फर्म है कि मार्च में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग अभी लेने की सोच रहे हैं या तो अगर आप है जो शोरूम से डिस्काउंट उठा सकते हैं अच्छा खासा, नहीं तो आप लोग जो है थोड़ा वेट कर सकते हैं बिकॉज मार्च में जो है आपकी गाड़ी आउटडेटेड हो जाएगी, तो वाई नॉट वेट फॉर द लेटेस्ट मॉडल। खैर गाइस, अब हम लोग बात करते हैं लेटेस्ट लीक्स की। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, वाइपर है, ब्रेक लाइट्स है, तो एज सच कुछ जो आपको पीछे की साइड मिलती है। साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं एंड साइड में अपना चढ़ने के लिए जो ग्लाइडिंग वो भी दी गई है। गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है। अंदर की तरफ चले आप देख सकते हो पूरी की पूरी स्कॉर्पियो बदल के रख दिए भाई एंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे 3-3 स्कॉर्पियो और हेडलैम्प्स अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलने वाले हैं। DRL नीचे फॉगलैम्प्स की बात करें तो फॉगलैम्प हाउसिंग भी जो है दी गई है एंड उसमें भी जो है आपको DRL देखने को मिलने वाला है। रियर की बात करें तो कुछ एज सच है, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि बॉक्सी लुक्स जो हैं गाड़ी के रखे गए हैं। एंड अगर हम लोग कंपेयर करें इसको भाई नई वाली जो अपनी स्कॉर्पियो आती है तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पर्सनली सेइंग कि भाई देखो, फर्स्ट टाइम जब भी कोई गाड़ी आती है तो वो लोगों को इतनी पसंद नहीं आती है, थोड़े टाइम रुकने के बाद जो है गाड़ी लोगों को पसंद आने लग जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आगे पीछे जो है स्कॉर्पियो खड़ी है, तो गाड़ी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। 17-18 इंच के जो है इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो है 17 और 18 इंच के बीच में जो है इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स रखे जाएंगे। 18 जो है अपने टॉप वेरिएंट में दिए जाएंगे। बेस मॉडल में जो आपको थोड़े बहुत कम इसमें जो साइज़ है देखने को वो मिल सकता है। अच्छा, मेन मुद्दा करते हैं कि भाई नई स्कॉर्पियो के साथ अगर स्कॉर्पियो को कंपेयर करा जाए तो कैसी लगती है, बिकॉज जो अपनी पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी भाई वो दूर से एकदम बॉक्सी लुक्स देती थी एंड नई वाली जो स्कॉर्पियो कैमोफ्लॉज में होने के बाद इतना ज़्यादा जो है आइडियाज़ नहीं लग पा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास एकदम लेटेस्ट इमेजेस हैं जिसमें पूरा का पूरा जो समझ में आ जाता है कि भाई जो गाड़ी है वो कैसी लगेगी, तो यहाँ से कैसे आप लोग देखना स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई एज सच जो है गाड़ी कुछ लगती है रोड पर। एंड ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। नीचे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे LED DRLs दिए गए हैं, ऊपर भी जो है DRLs दिए जाएंगे एंड गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा जायंट रखी गई है। तो ये चीज़ है कि इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, नो डाउट। खैर गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट करें आज का जो मेन मुद्दा था अपना उस पर चलते हैं कि गाड़ी जो है पुरानी वाली स्कॉर्पियो के साथ कैसी लगती है, कैसी दिखती है, एंड फिर आप खुद ही डिसाइड करेगा। सो गाइस, यहाँ पे लेह लद्दाख की कुछ इमेजेस आई हमारे सामने जहाँ पे लेह लद्दाख में जो गाड़ी है टेस्टिंग करी जा रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हैं वो इमेजेस जो मैं आपको बता रहा था। नई स्कॉर्पियो खड़ी अपनी राइट साइड में एंड
पुरानी वाली खड़ी है लेफ्ट साइड में। खैर गाइज, आप लोगों के एक चीज़ इमेज देख के तो ये पता चल रहा होगा कि जो नई गाड़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी एंड बल्की रखी गई है, तो मतलब लुक्स के साथ जो है ज़्यादा टेम्पर्ड नहीं करा जाएगा लुक्स को, एंड वो ही सेम लुक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करेंगे रोड प्रेजेंस की, तो गाड़ी जो है अनडाउटेडली आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा कि पुरानी स्कॉर्पियो कैसी है और नई स्कॉर्पियो कैसी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि महिंद्रा जो है अपनी खुद के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, बिकॉज स्कॉर्पियो का जो अभी का डिज़ाइन है लोग उसे हद से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो अगर पूरा का पूरा वो लोग DNA ही चेंज कर देंगे, गाड़ी का डिज़ाइन ही चेंज कर देंगे, तो उसके बाद जो है मतलब समझ में नहीं आता स्कॉर्पियो खरीदने का, बिकॉज स्कॉर्पियो के जो फैंस हैं वो एक्जिस्टिंग लुक ही पसंद करते हैं। खैर गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट में है नई स्कॉर्पियो और राइट में जो है अपनी पुरानी स्कॉर्पियो, तो इधर जो है डिज़ाइंस में आपको पूरा अंदाजा पड़ जाएगा कि भाई गाड़ी जो है कैसी कुछ लग रही है। अगर आप लेंथ में देखोगे तो लेंथ में दोनों गाड़ियाँ जो एकदम सेम है। अगर हम लोग चौड़ाई में बात करें तो अगेन जो गाड़ियाँ हैं उनकी चौड़ाई भी एकदम सेम मिल जाती है। अलॉय व्हील्स की बात करें तो नए वाले अलॉय व्हील्स हैं आपको थोड़े ज़्यादा बड़े मिलेंगे, एंड विद सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी फीचर्स विद एक्स्ट्रा लोडेड आपको इंटीरियर में कम्फर्ट, तो वाह क्या ही कहने। खैर गाइस, अब हम लोग कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले, तो सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे आपको दो इंजन्स देखने को मिलने वाले हैं। एक जो मिलेगा आप लोगों को पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 2.0 लीटर का एम स्टालियन टर्बो चार्ज इंजन होगा। उसके बाद अगर हम लोग डीजल की बात करें तो डीजल में जो आपको 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल मिलेगा। एम हॉक जो डीजल इंजन है उसमें आपको 130 bhp के पावर मिलेगी, 320 Nm का टॉर्क मिलेगा। वहीं पर अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल इंजन थोड़ा यहाँ पे पावरफुल होगा, जिसमें आपको 150 के या फिर 140 के आसपास bhp की जो पावर है देखने को मिल सकती है। बट एक चीज़ मैं बताऊँ, पेट्रोल जो है बहुत ही ज़्यादा गाड़ी चूसेगी, तो अगर आप लोग लेने की सोच रहे हैं तो डीजल की तरफ जा सकते हैं। पावर जो है 130 bhp भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड ट्रस्ट मी कि इतनी बड़ी गाड़ी को इतना तेज़ भगाना भी सही नहीं है। स्कॉर्पियो या फिर ऐसी गाड़ी है जो धीरे धीरे चलते ही बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैं अगर आपको और कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँ तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाले हैं, LED DRL मिलने वाले हैं। गाड़ी जो आपको 7-सीटर 5-सीटर में दोनों में देखने को मिल सकती है। न्यू क्रोम ग्रिल में इसमें जो आपको हैंडल मिलेंगे, रियर स्पॉयलर मिलेंगे, मतलब कुल मिला के जो अपनी गाड़ी है वो पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है। इंजन जो है ये सेम इंजन बोरो करे गए हैं आपके जो थार में आते हैं या फिर XUV700R में आते हैं उसमें, एंड एज सच कुछ है 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको गाड़ी में देखने को मिलेगी। और 245/65R17 का जो है इसका टायर है, ये चीज़ 101% कंफर्म्ड है। तो इन केस अगर आप लोग लेने की सोच रहे हैं तो महिंद्रा स्कॉर्पियो की पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं। लुक्स एक बार फाइनल आ जाएंगे तो बता दूंगा। मेरे को मेनली आप लोगों को ये कंपेयर करके दिखाना था कि भाई पुरानी गाड़ी के साथ अपना जो नया एग्जिस्टिंग मॉडल है वो कैसा कुछ लगता है। तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि आपको नई वाली स्कॉर्पियो ज़्यादा पसंद आई या पुरानी वाली स्कॉर्पियो ज़्यादा पसंद आई। मुझसे पूछा जाए तो दोनों गाड़ियों के अपनी ही एक क्लास है, एंड ट्रस्ट मी दोनों गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो भाई आज की वीडियो में तो इतना ही था। ऑलरेडी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बताना चाहता, बिकॉज स्पेसिफिकेशन से मैंने पहले ही बता दिए। एक नई इमेज आई थी जिसमें नई और पुरानी स्कॉर्पियो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, तो साइड बाय साइड कंपैरिजन जो है समझ में आ जाता है कि भाई हाँ गाड़ी कैसी दिख रही है। तो भाई लोग आज की वीडियो में तो इतना ही था। सो गाइस, ये जो इमेजेस हैं ये लेह लद्दाख में स्पाई करी गई थी, वहीं पे जो गाड़ियाँ टेस्ट करी जा रही थी, तो मेरा खुद का प्लान बन रहा है कि मैं लेह लद्दाख जाऊँगा। एंड भाई पूरे दिन जो है मैं घूमता रहता हूँ और उसके वजह से जो फेस पे है डिटैनिंग वेटैनिंग हो जाती है, मतलब इतनी स्किन केयर कर भी नहीं पाता। बट जब भी मैं करता हूँ तो आई यूज़ वाओ की स्किन साइंस की तरफ से भाई एलोवेरा जेल है। ये हर एक स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, अपने बालों में भी लगा सकते हो, उसको फेस पे भी लगा सकते हो। 99% प्योर जेल है इसमें, तो ये भी एकदम नया क्रीम है, मेरे पास ऑलरेडी रखा है, बट अभी आज आया ही था तो आई थॉट कि मैं अनबॉक्स करके दिखा दूँ। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप जाकर पर्सनली जो है परचेज कर सकते हैं उनको। सेकंड थिंग इज मामा अर्थ की तरफ से विटामिन सी फेस मास्क। तो पूरे दिन में जितने भी अपनी इंप्योरिटीज रहती है फेस पे इस मास्क को लगा के मैं छोड़ देता हूँ, तो ये स्किन इल्यूमिनेशन के काम आता है। बेसिकली स्किन जो आपकी ग्लो करने लग जाती है, जगमगाने लग जाती है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाएगा। एंड द थर्ड थिंग इज अपनी विटामिन सी का बॉडी लोशन, एंड ये दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मामा अर्थ, तो ये भी मैं यूज़ करता हूँ। तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तीनों अभी आए थे, बस मैं वीडियो बनाई रहा था, आई थॉट मैं आपको शेयर कर दूँ। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, एंड साथ ही साथ ये जो आपको ये तीन प्रोडक्ट्स हैं इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, यू कैन गो एंड परचेज, एंड दीज आर ट्रस्टेड बाय मी। तो भाई लोग आज की वीडियो देखना है, आई होप कि मैंने आपको दिखाई होगी स्कॉर्पियो के बारे में। तो क्या लगता है आप लोगों को स्कॉर्पियो चलेगी या नहीं चलेगी, जो भी मुझे कमेंट में लिख बताएगा, मैं लिखकर सुन लूंगा। और धन्यवाद।